मौजूद खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुबह सुबह उठ गए, और सुबह सुबह उठने की वजह ये है कि आज हमारी छुट्टी हो गई है, और छुट्टी हो गई तो हम इन्जॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। ये हमारी छुट्टी मुन्नी है, ये हमारा बड़ा मुन्ना है जो हर रोते रहता है वह करके। क्या मसला है? बोला मेरा मोबाइल था ना आपका, उसको चाहिए मोबाइल, हर वक्त चाहिए मोबाइल। बस तो मिलन दिखता ही है, बोलना नहीं आता इसको। कोको मिलन, तो मिलन चाहिए। कौन सा मिलन देखना है? तो मिलन इसमें नहीं आता, तो मिलन इसमें तो वीडियो आती है, इसमें तो मैं नहीं आती, अब्दुल्ला आता है ना भाई। तो नाश्ता हमने कर लिया है मुँह धोए बगैर, अंडा पराठा, क्योंकि चीज़ दूसरी होती है, उतना अंडा पराठा खाते हैं। तुम्हें इतना चाहिए तुम्हें चाहिए तो मिलन। तो आज का बनाएंगे पूरा डेली व्लॉग, आज पूरा दिन आपको दिखाएंगे हम क्या क्या करेंगे। आज हमारी छुट्टी है, आज हम करेंगे एंजॉय, आराम करेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश मारेंगे। सही है भाई? सही हूँ मैं? सही नेमल 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 झूला झूल लिया। अभी हम बाहर आए, ठंडी हवा चल रही है, झूला खाना है, तो फिर आगे जो होगा आपको दिखाते हैं। ठीक है भाई? सही नेमल, हाय करते हैं आप। हाय नेमल, हाय करते हैं। हाय देखो भाई, हम कौन सा झूला झूल रहे हैं और ये अब्दुल्ला साहब कौन सा झूला झूल रहे हैं? इनको वाला झूला पसंद नहीं है, ये बंदर है बंदर, ये लटक के झूला झूलते हैं। हाँ भाई, क्या मसला हो गया? हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये भाई पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये बोलते हैं गोद में लटकाओ और मोबाइल दिखाओ बस। तो इनके अम्मा लगी हुई कपड़े धोने में, और हम इन दोनों मिली हुई कि हम उन्हीं में संभालें, पीछे मशीन चल रही है, तो हम आ गए झूले पे लेके दोबारा से। मम्मी सो गए, अमल सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर इनके अम्मा को जाना है बाजार भी, फिर जिम्मेदारी हमारे पास आएगी कि संभालें हम। तो आज जब छुट्टी है हमारे घर पर, तो आज हम पूरा दिन यही करेंगे, उन्हें संभालेंगे और घर के थोड़े काम करेंगे। बंदा की जब छुट्टी होती है तो बंदा सोचता है आज आराम करेगा, फोन से रहेगा, लेकिन क्या करें, घर पे रहता है तो बस घर के काम ही खत्म नहीं होते। उसको संभालो, उसको संभालो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे भी गुजर जाता है। शादी है तो इसलिए शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, बाहर जाना है। और सोचा तो हमने भी ये बाहर जाने का, किसी एक दोस्तों से मिलने, देखते हैं टाइम निकलता है नहीं निकलता, दोस्तों मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते, शाम में मिलते हैं या दोपहर में मिलते हैं, देखते हैं। फिलहाल तो हम न्यूज़ ला दें, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। अब्दुल्ला और मेरी जिम्मेदारी लगी है कि हम मैनी को लेकर आएँ, मैनी को लेने आ गए हम स्कूल में, आज छुट्टी थी तो कहा हमें काफ़ी मैन को लिया। अब्दुल्ला ने कहा मैं भी चलूँगा, मैं चलो बाइक भी आके ले आते हैं, नहीं तो हमारे अब्बू लेकर आते हैं, मैंने कहा दादा पैदल जाके लेकर आते हैं, उनको बाइक चलाने नहीं आती, तो हमने कहा बाइक ले आते हैं, बड़ी आसानी हो जाएगी मैंने को भी, तो कौन सा आ जाएगी, है ना भाई? मैंने अब्दुल्ला हाय कर दें, हाय करते हैं, हाय ठीक है भाई। फिर मैंने वो लेके चलते फिर बनाते हैं आगे का ब्लॉग, ठीक है भाई, अच्छा बाय बाय, ऐसे करते हैं। मैंने को हम स्कूल से ले आए, मैंने क्या खाना है, अब खाना खाएंगे मैंने, खड़ी हो जाओ। वाह, सनरेला बन गई, सनरेला या माशा बन गई, मैंने माशा बन गई, माशा बन गई, वाह। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायनासोर बन गई। ओ ये हमारे खेलने का टाइम है निर्मल के साथ, हमें सामान मिला तो हम दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं और खेल लें, कैसे खेल लें, आशीष की बात कर लें, आशीष की बात कर लें, हम आशीष की बात करते हैं, बताओ जरा सबको बता दो, हम आशीष की बात करते हैं, कैसे ऐसे बात करते हैं हम भाई। तो आप सब देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा मेरी बेटी को, ठीक है। ये लोग गए थे बाजार, और बाजार में जाके क्या लेके आएंगे, मम्मी की शॉपिंग करके आए, कपड़े लेके आए निर्मल के लिए, निर्मल के लिए शादी की तैयारी हो रही है, सूट बनेगा मैचिंग का पर्पल, जो हमारा है जैसा मेरा है, जैसे मेरी बेगम का है वैसे ही मेरी बच्ची बेटी का भी बनेगा पर्पल सूट। ये लोग से बाजार गए थे, 2 घंटे लगा के आए, सिर्फ इतनी चीज़ लेके आए, और हमारे हवाले 3-3 बच्चे करके चले गए थे, जो एक के बाद एक उठ रहा था उसको हम खिला रहे थे, फिर दूसरा उठ रहा था, फिर तीसरा खिला, तीसरा उठ रहा था, तो ये हुआ हमारे साथ 2 घंटे में। अब हमारे सर मिला दो क्या मैचिंग नहीं मिली, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, मैचिंग नहीं मिली लेकिन 2-3 घंटे पूरे लगा के ढूंढेंगे नहीं मैचिंग, औरतें जाती हैं तो टाइम ज़ाया करके जाती हैं, मुझे अंदाज़ा था, लेकिन आइंदा मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूँगा, मैं तो कह रहा हूँ छुट्टी होगी ना मेरी, मैं जाऊँ काम पे, वहाँ ज़्यादा सुकून है, घर पे इतना सुकून नहीं है, सही, चाय पियेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। हमारी तो सुबह हो गई है, लेकिन हमारी मम्मी अभी तक
आराम फरमा रही हैं, तो इनको सुनने देते हैं। चाय और पी ली हमने, अब हम आज मैच देखेंगे। आज एक पहला प्ले ऑफ जो लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान के बीच में, मुल्तान वर्सेस लाहौर का मैच जो शुरू होने वाला है 7 बजे। मुल्तान सुल्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और लाहौर को दावत दी है कि वो बॉलिंग करें। देखते हैं कि मुल्तान कितना टारगेट दे पाता है लाहौर को चेस करने के लिए। कम से कम मैं कहता हूँ 200+ तो होना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। कि कहाँ तक पहुँच पाती है मुल्तान सुल्तान। बड़ी टाइट बॉलिंग कर रहा है शाहीन साफरीदी, डेविड वीजा, ये सब देना लॉर्डर पे होकर बाउंसर बाउंसर मार रहा है। दोनों सुमान सुमान खेल रहे, सुमान खान और ये मोहम्मद अजान। देखते हैं, मैंने लग रहा है 180 तो कम से कम बना ही लेंगे। बाकी जो हमारे गर्मी का सन्नाटा और उसकी वजह आपको बताता हूँ क्या है। उसकी वजह ये है कि ये दो बच्चे मोबाइल में लगे हुए, क्या देख रहे हो? मैं हानी अब्दुल्ला कलर देख रहे हैं कलर। तो भाई ये मोबाइल में लगे हुए इसलिए हमारे घर में सन्नाटा हुआ है और हम सुकून से मैच देख पा रहे हैं। बाकी थोड़ी बहुत किचन से आवाज़ें आ रही हैं और किचन से आवाज़ें आने की वजह क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। क्या बनना किचन में? डर गए? क्या बनना किचन में? भूख भी लग रही है। चने की दाल, चने की दाल बन रही है। अब इसमें डालेंगे करेले। तो आज खाएंगे हम चने की दाल और करेले। काफ़ी टाइम से खाया नहीं, देखते हैं कैसे बनते हैं। हमारी बेगम ने बनाया तो अच्छे ही बनेंगे, उम्मीद तो है। बाकी देखते हैं खाएंगे बताएंगे वो किस कैसे टेस्ट है। मुल्तान सुल्तान ने जो है बड़ा खराब चल रहा है उनके हालात। 70 रन बनाए 7 के रन रेट से, 11वां ओवर चल रहा है, 2 आउट हो चुके हैं रैली रोड से और सुमान खान। तो मुझे लग रहा है 150 तक पहुँच जाए बड़ी बात है। लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप वैसे बड़ी मजबूत है और उनके भी मुल्तान के भी चल रहे हैं बुरा, लेकिन इतना नहीं चल रहे। तो मुझे लग रहा है कि मैच जो है ना जाता हुआ लाहौर साइड की, लाहौर इस बार निकाल लगाइए मैच, देखते हैं क्या होता है। ये भाई 20 ओवर पूरे हो गए, 160 रन बना सकी मुल्तान सुल्तान। बहुत अच्छी बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने, बहुत मेन विकेट लिए हैं, थोड़ा स्लो भी खेला मुल्तान ने। भाई मैच की एक इनिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम आ गए अपने ऑफिस में। हमने थोड़ा बहुत काम निकल रहे हैं, पूरे दिन घर पर बैठे हैं, थोड़ा बहुत काम निकल रहे हैं, ऐसे दाल रोटी चल रही है। थोड़ा काम करने बैठे हैं, काम करेंगे फिर मैच के आखिरी लम्हात देखेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। दिन का हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। अगर आपको हमारी डेली ब्लॉगिंग पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बताएं कि हम डेली ब्लॉगिंग करें या फिर हम कभी इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग करें, कोई इवेंट आ जाए उसकी ब्लॉगिंग करें, डेली ना करें। तो जैसा आपको अच्छा लग रहा है आप बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। लाहौर के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं और ये 65 रन पे हार्ड आउट हो गए। हारिस रऊफ ने भी एक छक्का मारा तो है, लेकिन एहसान उल्लाह उनको आंखें दिखा रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं और ऐसे बोले करा रहे हैं कि वो मिस कर पा रहे हैं, मिस पे मिस कर रहे हैं। तो वहाँ के कारण लड़ाई हो रही है और लाहौर बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है। 13 ओवर हो गए, तकरीबन 40 बॉलों पे 96 रन चाहिए। तो लाहौर तो वालो ना ही समझो, सो जाओ। मुल्तान ले गए, मुझे लग रहा था कि मुल्तान नहीं कर पाएगा, टारगेट बहुत छोटा, लेकिन लाहौर वालों ने भी या तो इतना बड़ा टारगेट देते लाहौर वाले या फिर छोटे पे सारे लोग होते हैं। हाँ, ये हमारी मम्मी ने थोड़ी कमेंट कर दी, उनसे भी थोड़ी कमेंट कर सुनो। अबे मम्मी बोला क्या बोलती है, कौन सी पेगा? मुल्तान जीत चुका है मैच, तो ये बंद करो बस। लाहौर ही मैच हारने के बाद मस्तियाँ कर रहे हैं और लाहौर ही मैच हार गए 84 रन से, एक क्वालिफायर था और 84 रन से हार गए। लाहौर की बैटिंग लाइन बहुत बुरी तरह कोलैप्स हो गई है और मुल्तान सुल्तान जीत गया और फाइनल में पहुँच गया। और मुझे लग रहा है जिस तरह से मुल्तान सुल्तान खेलता आ रहा है ना, फाइनल भी ले जाएगा। तो बाकी देखते रहे एक और टीम कौन सी बनाने में पहुँचती है। लाहौर को एक और मौका मिला है, वो एक और बार मैच खेलेगा भाई, कौन जानते हो फाइनल में पहुँच गया। तो आज का हम ब्लॉग करते हैं यहाँ पे सलाम, मैच खत्म हो गया, खाना वाना खा लिया, अब जा रहे हम आराम करने। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करना, बाय बाय।